हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू। दोस्तों, अगर जिन मित्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जनरल स्टडी के 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पैन नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने किया था? चक्रवर्ती समिति, महावीर समिति और केलकर समिति या तेंदुलकर समिति, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है महावीर त्यागी समिति। ठीक है, महावीर त्यागी समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी एक्ट कब पारित हुआ था? 1956, 65, 92, 88, ये हुआ था दोस्तों 1988 में पारित। कब हुआ था ये? 1988 में पारित हुआ था और 1900 तो ये सेबी एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था पारित 1992 में। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये स्थापना दिवस है, ये स्थापना हुई थी 1988 में। 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आइए एरडा, IRDA, बीमा नियामक एवं प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इसके बाद है राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? सन 1992 में फेरवानी समिति की अनुशंसा पर हुई थी। किस समिति की अनुशंसा पर? फेरवानी समिति की अनुशंसा पर सन 1992 में हुई थी। इसके बाद है बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित बेसल समिति में बेसल किस देश का शहर है? बताइए जल्दी से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेसल कमेटी किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, और बेसल शहर किस देश में अवस्थित है, तो ये है बेसल शहर स्विट्ज़रलैंड में अवस्थित। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में ही एक शहर और है जिनेवा, जिनेवा भी वहीं पर स्थित है जहां WTO का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़िए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975, 78, 65, 90, बताइए जल्दी से। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। ठीक है, 1975 याद रखिएगा। इसके बाद है ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था, और ये सन 1970 में। कब चलाया गया था ये? सन 1970। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ये 1970 में चलाया गया था। इसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड 1970। चलिए, भारत में हरित क्रांति शब्द की संज्ञा देने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, विलियम गार्ड। तो देखिए, विश्व में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये विश्व में है, ये विश्व के लिए हैं। और MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति शुरू की थी। लेकिन जो विलियम गार्ड थे, इन्होंने हरित क्रांति शब्द की संज्ञा दी थी, विलियम गार्ड ने, याद रखिएगा, विलियम गार्ड इसका सही आंसर है। हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। इसके बाद है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसके बाद है कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? कापार्ट का संबंध किससे है? हाँ, कापार्ट का संबंध किससे है? तो कापार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम से।
ना ये कंप्यूटर से है, ना प्रदूषण से है, ना विद्युत उत्पादन से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम से रिलेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर देने की संस्तुति किसने की थी? महावीर त्यागी समिति ने। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1992 में, फेरवानी कमेटी के अनुशंसा पर। बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में। हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक विलियम गार्ड। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। कापार्ड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।